نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله محمد الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم المقام، محترم چوہدری اشرف صاحب، نائب صدر منہاج الحرام انٹرنیشنل فرانس، محترم المقام منظور بھٹی صاحب، محترم شریف بدر صاحب، محترم حاجی الطاف صاحب، محترم حاجی اصغر صاحب، محترم حاجی عبدالرزاق صاحب اور معزز حاضرین اور شرکائے محفل خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے آج ہم کرشی صوبہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ذکر میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں. اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. میں سمیع قلب سے اپنی طرف سے اور منہاج القرآن کی پوری تنظیم کی طرف سے کرشی صوبہ کی پوری انتظامیہ کو جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، ان کو سبھی میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی گفتگو کے دو حصے ہوں گے، لیکن میں مختصر گفتگو کروں گا. ایک حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ انسانیت کی معراج کے بارے میں، کہ بقول اقبال کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آقا علیہ السلام کا موزہ معراج اس ماہ مقدس میں رجب المرجب میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، اور شب معراج وہ رات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے بڑھ کر جو خوشی کی رات ہے اور خوشی کا لمحہ ہے، وہ شب معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اس رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور محب اور محبوب کے تعلق میں دیدار ہی اصل معراج ہے. اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کا ذکر کیا تو قسم کھا کر کیا اور فرمایا من نجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا ہوا جب وہ شب معراج لامکان تک گیا اور کعبہ کا حسین تک پہنچا،
और अपने रब का दीदार करके वापस इस दुनिया में तशरीफ ले आया। अब दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम से जितने अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोजज़ात अता किए, उनमें से किसी को भी आकर अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा मेराज है ये मोजज़ा अता नहीं किया है। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ा मेराज का कसम खाकर जिक्र किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नज़्म यानी सितारा कहा। अब खास बात इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नज़्म कहा है या सिराज़े मुनीर कहा है या सितारा कहा है या सूरज कहा है, चांद नहीं कहा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को या सितारा कहा, स्टार कहा, या सूरज कहा, चमकता हुआ, सिराज और मुनीरा, लेकिन चांद नहीं कहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आज साइंस ने बयान कर दी है। साइंस ने यह बयान कर दिया है कि सितारे और सूरज, सूरज एक सितारा है, ये अर्ज खुद रोशन है और चांद की अपनी रोशनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी जिस तरह जमीन पर पड़ती है तो चांद पर जाए तो जमीन रोशन नजर आती है और अगर जमीन से चांद को देखें तो जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद रोशन नजर आता है। तो रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौजज़ा मेराज अता किया तो आपको नज़्म कहा और फरमाया वन नज़्मी, कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद की, इसलिए कि मेरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सितारा है कि जो अब खुद रोशन है और कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिदायत का और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगामात का, अमल का, मोहब्बत का नूर फैला रहा है और कायनात को रोशन कर रहा है। तो हुजूर खुद भी रोशन है और कायनात को रोशनी दे रहे हैं। हुजूर खुद भी आकर सलाम को खुद भी मेराज अता की गई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को भी मेराज अता की। अब चूंकि मैंने अर्ज किया कि मैंने बहुत ज्यादा गुफ्तगू इस हिस्से पर नहीं करी लेकिन थोड़ी सी तशरीह मैं इस पर करके तो थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी करना देना चाहता हूँ आपको कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि वन नजमी इजा हवा, कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नजम का ये माना सितारा ये इमाम जाफर सादिक ने किया रज़ी अल्लाहु ताला और आगे इजा हवा, तो हवा की तफसीर में मुफस्सरीन बयान करते हैं कि हवा का लफ्ज हवीयुन से निकला है और हुवीजों से निकला है। हवा का रूट वर्ड वो हवीजुन भी है और हुवीजुन हाथ ऊपर पेश हुवीजुन भी है। अगर इसका माना हवीजुन से लिया जाए हाथ ऊपर जबर से तो इसका माना ये बनता है इस आयत करीमा का वन नजमी इजा हवा, कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद की, इजा हवा जब वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया और मस्जिद अक्सा से आसमानों तक गया और आसमानों से सिदरतुल मुंतहा तक गया और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन व अदना तक गया और जन्नत की सैर की, दोजख का मुशाहिदा किया, रब का दीदार किया और रब से कलाम किया, तो कसम है चमकते
थी जब वो नीचे से ऊपर तक रब्बे कायनात के दीदार के लिए गया। और जब इजा हवा का माना हुवियत से लिया जा रहा हा के ऊपर पेश हो गए तो माना ये बनता है वन नजीजा हवा कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजा हवा जब वो काबा कौसैन और अदना तक गया और रब्बे कायनात का दीदार किया रब से कलाम किया और वापस पलट कर इस दुनिया में आ गया। और इस दुनिया में जब आया तो कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, वजू का पानी भी बह रहा था। तो कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद की जब वो ऊपर जाकर नीचे उतरा तो दूसरा माना है ऊपर जाकर नीचे आना। और इजा हवा में ये दोनों माना जमा भी है, दोनों माना जमा भी है। तो जमा करके माना ये बनता है कि वन नजी इजा हवा कसम है चमकते हुए सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो शबे मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से आसमानों तक गया और फिर सिदरतुल मुंतहा तक गया और काबा कौसैन तक गया और इतनी तेजी के साथ गया कि रब का जलवा किया, जन्नत की सैर की और जलवा करके सैर करके रब से कलाम करके तेजी से जब वापस आया तो कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, पानी का वजू का पानी भी बहता रहा। ये पूरा माना इस हवा के लफ्ज में मौजूद है। अब हाजरीन मोहतरम ये जो मौजज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता हुआ इसमें खास बात यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम में से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी मेराज में और हदीस मुबारक में है तिब्रानी शरीफ की हदीस है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। चलिए जब सवाल गया कौन दोस्त थे इज़राइल अलैहिस्सलाम के, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जो मलकुल मौत है, मलकुल मौत जो रूह कब्ज़ करते हैं, ये भी कमाल की बात है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती थी, इज़राइल अलैहिस्सलाम से उनकी दोस्ती थी। तो उस दोस्ती में उन्होंने ख्वाहिश की कि आप मुझे सैर करवाएं। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर आसमानों की तरफ चल पड़े, आसमानों की उन्होंने सैर की और सैर करते करते उन्होंने दोज़ख दिखाने के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दोज़ख दिखाया। तो हदीस शरीफ में है कि जो ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दोज़ख देखी तो करीब था कि आप गश खाकर गिर जाते। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में ले लिया और उनसे पूछा कि आपने इस दोज़ख को नहीं देखा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने वाकई देखा है लेकिन आज से ज्यादा सख्त दिन, खतरनाक दिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर सैर जारी रही, ये मेराज जारी रही। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में ले गए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए। जब जन्नत में दाखिल हुए और जन्नत का मुशाहिदा किया, उसके चश्मे देखे, नहरें देखे, हूरो गिलमान देखे और जन्नत का जब हुस्न देखा और काफी देर देख चुके तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अर्ज किया अब आपने जन्नत को देख लिया, दोबारा वापस चलते हैं उस दुनिया में, आए वापस चलते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ चलते हैं,
कहां चलते हैं? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वापस उसी दुनिया में जहां से आए थे। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं हर किस उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा। उस दुनिया में दरी दुनिया में जिसमें जुल्म है, जिसमें बर्बरियत है, जिसमें खून खराबा है, जिसमें दहशतगर्दी है, जिसमें बदअमनी है, जिसमें करप्शन है, जिसमें लूटमार है, उस दुनिया में वापस चला जाऊंगा, मैं हर किस उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने, मैं हदीस सुना रहा हूं तिब्रानी शरीफ की, तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया बारी ताला ये तेरा बंदा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इनको लेकर मैं सैर के लिए मेराज करवाने के लिए आसमानों पर लेकर आया, तेरी जन्नत में दाखिल किया, अब ये वापस नहीं जाना चाहते। तो रब्बे कायनात ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जवाब दिया ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम क्या तू नहीं जानता कि ये मेरी वो जन्नत है जो इसमें दाखिल हो जाता है फिर वापस नहीं आता, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा इसमें रहता है, इनको यही रहने दो, इनको यही रहने दो। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर वहां पर छोड़कर जन्नत में वापस पलटा है। हाजरीन मोहतरम मुफस्सरीन बयान करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं, ताबीन बयान करते हैं, आइमा ने बयान किया, सूफिया ने बयान किया, औलिया ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजदार कायनात को शबे मेराज जो मेराज अता की उस मेराज का एक कमाल बेशक ये है कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद अक्सा तक ये बशरियत की मेराज थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम सारे मस्जिद अक्सा में जमा थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत करवा रहे थे और उसके बाद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला सफर शुरू हुआ। तो बशरियत नीचे रह गई और ताजदार कायनात आगे बढ़ गए और जब आगे बड़े आसमानों का सफर शुरू किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बुराक साथ थे और ये सफर जारी रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवें आसमान कबूल करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक गए। तो जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो आलमे नूरानियत का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, एक इंच के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील तू मलाइक का सरदार, नूरानियत का सरदार, तेरे सफर की ये इंतहा है, मुस्तफा के सफर की इब्तिदा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सफर आगे जारी हुआ, ये सफर जहां पर सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर रुक गए ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत की मेराज थी। सुभान अल्लाह, हुजूर की नूरानियत की मेराज थी कि आलमे नूरानियत का सरदार पीछे था और मुस्तफा आगे बढ़ रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत का सफर शुरू हुआ और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत मुस्तफा की मेराज हुई और ये मेराज का नुक्ता कमाल ये था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेराज रब्बे कायनात ने बयान की और फरमाया कि सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन हुवा दना कि फिर महबूब और आगे बढ़ा यहां तक कि दो कमानों का फासला रह गया। ये काबा कौसैन दो कमानों का फासला रह जाना ये अरब का एक मुहावरा है और ये मुहावरा उस वक्त वो इस्तेमाल करते थे कि इसकी शान नजूल ये है, इसकी वजह तस्मिया ये है, इस लफ्ज को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अरब के हाँ दस्तूर था कि जब दो कबीलों के दरमियान इतिहाद हो जाता तो वो दोनों
ये कहते हैं कि आइंदा से हम कोई जंग लड़ाई नहीं करेंगे, और दोनों कुमान एक कुमान लेकर दो कुमाने मिलाकर एक तीर उसमें से छोड़ दे, दोनों कुमानों को जमा कर लेते हैं। तो कुमान को आप देखते हैं तो सैन की ऐसे बनी होती है, ऐसे ऐसे इस तरह उसकी शक्ल होती है, इस तरह से जिस तरह तीर निकलता है। तो दो कुमानों को मिलाकर उसको कोसैन से तशबीह दी गई, वो कोसे बनती हैं दो, कोसे कदाब इसी से निकला, कोसे कदाब उर्दू का। तो दोनों को मिलाकर तीर छोड़ते थे एक तीर, और बयान करते थे कि आइंदा से ये दोनों कोसों का मिलाना, कुमानों का मिलाना ये अलामत है कि आइंदा से जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा दोस्त है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, महबूब आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, फकाना का वकोसैन, यहां तक के दो कोसैन का फासला रह गया। और कोसैन की दूसरी तशबीह जब हम गले मिलते हैं तो ऐसे हाथों को मिलाते हैं बिना तशबीह और बिना मिसाल, तो ये भी कोस मिल जाती बन जाती है। तो फरमाया दो कुमानों का फासला रह गया, और फरमाया ये कुमानों का फासला जो रह गया था, फरमाया ओ अदना, रब्बे कायनात ने ये फासला भी मिटा दिया, और फरमाया महबूब बेशक तू अब्द है, मैं माबूद हूं, तू मखलूक है, मैं खालिक हूं, लेकिन कोसैन के साथ इसलिए तशबीह दी कि आज के बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि रब्बे कायनात ने ये सारे फासले मिटा दिए हैं, और आज से ये ऐलान कर दिया है कि जो मेरे मुस्तफा का मुहिब है वो मेरा मुहिब है, जो मेरे मुस्तफा की इताअत करने वाला वो मेरी इताअत करने वाला है, जो मेरे मुस्तफा की नाफरमानी करने वाला वो मेरी नाफरमानी करने वाला है, जो मेरे मुस्तफा की बैत करने वाला है वो मेरी बैत करने वाला है, जिसने मेरे मुस्तफा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे मुस्तफा का जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया, जिसने मेरे मुस्तफा का हुक्म माना उसने मेरा हुक्म माना, जो मेरे मुस्तफा का हुआ वो मेरा हुआ, जो मेरे मुस्तफा का नहीं वो मेरा नहीं। जो मेरे महबूब का है वो मेरा है, और जो मेरे मुस्तफा का ना हुआ वो सारी जिंदगी हज करता रहे, उम्रे करता रहे, काबे के साथ जाकर चिमट जाए, हजार हजार सजदे करे, जो मेरे मुस्तफा का ना हुआ वो हरगिज मेरा नहीं हो सकता। तो आज की रात मैंने सारे फासले मिटा दिए हैं ओ अदला, और फरमाया सारे फासले मिटाकर मैंने सारे पर्दे उठाकर अपने महबूब को अपना जलवा और दीदार करवा दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात का दीदार किया तो ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का क्लाइमेक्स था। ये शबे मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का क्लाइमेक्स था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, और कुरान कहता है मा ज़ावल बसर व मा तबा, और फिर फाउहा इला अब्दिही मा औहा, और रब्बे कायनात से कलाम किया और नमाज का तोहफा दिया, तहाई की हुई। अब दोबारा चले हजरत इदरीस अलैहि सलाम की तरफ। इदरीस अलैहि सलाम की मेराज ये थी कि जन्नत में गए और जन्नत का हुस्न देखा, तो जब इजराइल अलैहि सलाम ने कहा कि वापस दुनिया में चलते हैं, वापस उस दुनिया में चलते हैं, तो उन्होंने कहा हरगिज मैं नहीं जाऊंगा, जन्नत का हुस्न देखकर कहा उस दुनिया में नहीं जाऊंगा इसमें रहूंगा। लेकिन मुफस्सरीन मुहद्दिसीन उलमा सूफिया आइमा वो बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेराज की मेराज, मेराज तो ये थी कि काबा को सैन पर रब्बे कायनात का दीदार किया, लेकिन उसकी भी मेराज ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम शबे मेराज काबा को सैन ओ अदना तक पहुंचकर रब्बे कायनात का दीदार करके रब से कलाम करके और उस अनवार और तजलियात के हुस्न को और हुस्ने मुतलक को छोड़कर वापस इस दुनिया में तशरीफ ले आए।
ये हुजूर की मेराज की भी मेराज। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज लामकां को लामकां से रब्बे कायनात के दीदार के जलवे करके और अनवार और तजलियात की उस वादी को उस मौसम को उन बहारों को उन फिजाओं को और उन लज्जतों को छोड़कर वापस इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए? उसका जवाब सिर्फ एक है, वो ये है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उन लज्जतों को छोड़कर और रब का जलवा छोड़कर इसलिए आए कि उम्मत को मेरा अता करना, इंसानियत को मेरा अता करना था। वो इंसानियत जो जुल्म का शिकार थी, वो इंसानियत जो कत्लो गार गरी में मुब्तला थी, खून खराबे में मुब्तला थी, जिसमें बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिसमें बुतों की पूजा की जाती थी, जिसमें कई हजार तक नस्लों को कत्ल किया जाता था, जिसमें कोई अमन ना था, जिसमें कोई कानून ना था, जिसमें इंसानों के हकूक ना थे, वो रोटी से महरूम थे, वो कपड़े से महरूम थे, वो मकान से महरूम थे, बुनियादी सहूलियात से महरूम थे, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। और उस दौर के वडेरे जागीरदार और सरमायादार इंसानों पर खुदा बनकर बैठे हुए थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसानियत को गुलामी से निजात दिलाने के लिए और मेराज अता करने के लिए वापस काबा को हुसैन से इस दुनिया में वापस तशरीफ ले आए। तो मुफस्सरीन बयान करते हैं कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज की भी मेराज है और ये बहुत बड़ा दर्जा है। और ये क्यों तशरीफ लाए कि कुरान का अगर मुताला करें, कुरान मजीद का, तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से जिस नबी को रब्बे कायनात में भेजा, रब्बे कायनात ने दुनिया में भेजा, उस नबी का मकसद ये था कि वो इंसानियत को मेराज अता करे, वो अपनी उम्मत को और इंसानों को मेराज अता करने के लिए भेजा गया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उस वक्त भी इंसानों का ये हाल था कि फिरौन बादशाह बना हुआ था और फिरौन क्या करता था, इंसानों के साथ अल्लाह की मखलूक के साथ क्या सलूक करता था। कुरान बयान करता है वो वक्त याद करो जब फिरौन तुम्हें सख्त अजाब देता था और वो अजाब क्या था, युज़ब्बिकूना बनातकुम, वो तुम्हारे बच्चों को बेटों को ज़िबा करता था, बेटों को ज़िबा करता था, वो यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था। तो फिरौन जैसा जुल्म वो तो हमने नहीं देखा आज की दुनिया में, चंद एक वाकयात आप देखते हैं, लेकिन फिरौन ये करता था कि बेटा भी पैदा हो रहा है तो पैदा होते ही उसको